हम लोग स्टेप नंबर वन में क्या किए, दो रेशियो कैलकुलेट की, टाइम रेशियो कैलकुलेट करना आ गया आप लोगों को, सेल्स रेशियो कैलकुलेट करना आ गया, फाइनल आंसर में एक स्टेटमेंट होता है, हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे पक्का। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग सर किस एक्सपेंसेस को किस रेशियो में बांटे, ये प्रॉब्लम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं घूम रहा है पक्का। तो हम लोग वहाँ पे क्या नया टॉपिक सीख रहे हैं ना, फाइनल आंसर निकालेंगे, तो हमको एक प्रॉब्लम और आ गया वहाँ पे, क्या आ गया, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, हम लोग किस रेशियो में बांटे, तो उसमें क्या हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा होता क्या है। अपोर्शनमेंट का समझते हैं कि नहीं, बंटवारा करना, ऑटो फेयर हम किस रेशियो में बांटे, पानी पूरी किस रेशियो में बांटे, जो बैग खरीदे किस रेशियो में बांटे, झूला झूले किस रेशियो में बांटे, इसी को बोलता है अपोर्शनमेंट, मतलब बंटवारा, एक्सपेंस को किस रेशियो में किसको किससे चार्ज करे उसको बोलते हैं अपोर्शनमेंट, ठीक है। चलिए तो बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ बोलता है बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट क्या होता है, बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, हमारा खर्चा और एक इनकम सब एक्सपेंस अलग एक ही जगह दिया हुआ, उसको हमको अलग अलग करना है, तो कैसे कैसे अलग करते हैं, सबसे पहला ध्यान, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशियो में अलग करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ सेल्स रेशियो में, नो डाउट। लेकिन बोलता है प्रीफ्रेंस दिखा जाता है, प्रीफ्रेंस सबसे फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन में से अगर हमको सेल्स रेशियो पता है तो हम लोग सेल्स रेशियो यूज कर लेंगे, एकदम बेस्ट इसके लिए क्या, सेल्स रेशियो एक्जैक्टली, क्योंकि सेल्स के रेशियो में प्रॉफिट होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में सेल्स रेशियो नहीं दिया हुआ, पूरा दिमाग लगा करके ही भर जाएगा, तब वो क्या होगा, सेल्स रेशियो नहीं निकलेगा। जब लोग पानी पूरी खाएं और पता ही नहीं चला गुपचुप वाला भुलाए कौन कितना खाए, तो क्या कीजिएगा उस केस में, इक्वल रेशियो ले लेंगे, गलत की सही, पता ही नहीं चला कौन कितना खाया, तो क्या करेंगे उस केस में, सबसे बेस्ट है कि जितना पानी पूरी खाया उस रेशियो में लेंगे। लेकिन मान लीजिए गड़बड़ा गया, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं कौन कितना खाया, बोला बस कितना खाया हमको पता नहीं, गुपचुप वाला बोला हम टोटल खाली गिने कौन मतलब इतना खाया, तो क्या करेंगे उसमें, इक्वली लेना पड़ेगा ना, फिर तो हमारे पास ऑप्शन खत्म हो गया, वो बेस्ट ऑप्शन था लेकिन नहीं अवेलेबल हो तो क्या करेंगे, सेकंड अल्टरनेटिव यूज करेंगे कि नहीं, छोड़ देंगे पक्का, यही मान के छोड़ देंगे, सब सायना खाई होगी, छोड़ दो समझे आप, ऐसा होगा नहीं समझे, फिर इक्वली लेंगे पूरा, सबको बराबर चार्ज कर लेंगे। चलो चलिए, तो पहला सेल्स रेशियो, अगर क्वेश्चन में सेल्स रेशियो नहीं दिया हुआ है तो सेकंड हम लोग क्या लेंगे, सीओजीएस रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो पक्का, मतलब सीओजीएस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो रेशियो ले लेंगे पक्का, समझ रहे हैं। लेकिन कब, जब सेल्स रेशियो नहीं होगा तब, सेल्स रेशियो तो सेल्स रेशियो यूज करेंगे, अगर नहीं है तब सीओजीएस, अब सीओजीएस भी नहीं दिया हुआ है तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब हमारे पास क्या बचता, टाइम रेशियो में बांट लेंगे, गलत है लॉजिकली गलत है, लेकिन क्या करेंगे हमारे पास मजबूरी है, समझ रहे हैं आप। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमको देना है सेल्स रेशियो, अगर सेल्स रेशियो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो सीओजीएस रेशियो, सीओजीएस अवेलेबल नहीं है तो टाइम रेशियो, क्लियर है। चलिए तो ग्रॉस प्रॉफिट का टेंशन खत्म, अब आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस, यहाँ पर क्वेश्चन अपने आप आ रहा है, सर वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है, मुंडी लटका हुआ बताएंगे बताएंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है। जो भी वेरिएबल एक्सपेंसेस रहेगा लिंक्ड विद टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, वेरिएबल एक्सपेंसेस सेल से रिलेटेड, जितना सेल बढ़ेगा वो खर्चा बढ़ेगा, सेल्स घटेगा वो खर्चा घटते चला जाएगा, खुद रिलेट होगा, तो हम एग्जाम्पल लेंगे समझ में आ जाएगा। तो ऐसा सब वेरिएबल एक्सपेंसेस जो कि सेल्स से जुड़ा हुआ है उसको किस रेशियो में मिलेंगे, सेल्स रेशियो में मिलेंगे। तो इसमें आपको एक पॉइंट बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, इसमें आपको सिखाएंगे अलग से, क्या सिखाएंगे फिर, आखिर वेरिएबल एक्सपेंसेस होता क्या उसका एग्जाम्पल बताइए, तब समझ में आ जाए कि हम समझ आए, बोल तो दिए कि ऐसा 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 वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जो कम बेसी होता रहता है पक्का, ये समझते हैं कि नहीं, वेरिएबल और फिक्स, नॉर्मल केस में भी तो पढ़ाए थे, इलेवन में भी पढ़ाए थे आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होता है, ऐसा एक्सपेंसेस जो घटता बढ़ता है, जैसे मेरा एक प्रिंटिंग कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, दो बच्चा रहेगा तो दो पेज होगा, दस बच्चा है दस पेज खर्चा हो रहा है, लेकिन हमारा रेट एक आ या 36 आए, जो 10 का फिक्स है 10 फिक्स रहेगा, गलत की सही, तो उसको बोलते हैं फिक्स, यही हो जाता है हमारा वेरिएबल। इसको टाइम रेशियो में बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं, स्टूडेंट से कहीं पर डिपेंड कर रहे हैं, नहीं, लेकिन इसको हम लोग सेल्स रेशियो में बांटेंगे, जितना स्टूडेंट है उतना हमारा खर्चा होगा। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे स्टूडेंट बढ़ रहा है और हमारा खर्चा बढ़ रहा है, इसका मतलब वेरिएबल है, स्टूडेंट घट रहा है मेरा खर्चा भी घट रहा है, लेकिन ऐसा खर्चा जो स्टूडेंट घटने बढ़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा फिक्स है, जैसे हमारा रेंट हो गया, सैलरी हो गया, बिजली बिल हो गया, क्या लगता है अभी एक आदमी आएगा तो हम क्या लाइट कम जलाएंगे, एक ही लाइट जलाएंगे, तू आया तो तू जलाओ रे, आज सब आया सब लाइट जलाओ रे, ऐसा होगा, ऐसा लगता है सब होगा, तो फिक्स होता है, क्लियर है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं समझेंगे, फिर तीसरा क्या होता है, हम लोग का फिक्स्ड कॉमन चार्ज है, जैसे रेंट का एग्जांपल लिए ना, तो फिक्स्ड कॉमन चार्ज जो फिक्स्ड है, जो कि सेल्स पे डिपेंड है, स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं, टाइम रेशियो में पक्का। तो फिक्स्ड कॉमन चार्जेस क्या उसका कुछ एग्जांपल देंगे, फिर होता है एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, नहीं कुछ खर्चा होता है ना, आपको नाम से ही लगेगा कि प्री है, कुछ लगेगा नाम से ही लगेगा कि पोस्ट है, नहीं समझे, बात समझ रहे नहीं। अब मान लीजिए कि अब कोई लड़की का शादी हो गया है, तो शादी में जो कुछ खर्च बताएगी, अब मान लीजिए कि बोलेगी कि हम हस्बैंड के साथ में घूमने के लिए गए थे, तो साथ लग रहा है कि शादी के बाद खर्चे के पहले या खर्च है, लेकिन बोलेगा मटकोर में मी ड्रेस पहने थे, तो शादी के पहले का है कि बाद का है, शादी से पहले का है, नहीं कॉन्सेप्ट समझ में, नाम से ही लग रहा है भाई, कुछ खुद समझ में आ जा रहा है, नहीं अपने बाबू के लिए मैं एक जैकेट लिए, शादी से पहले या खर्चे के बाद का खर्च, क्या लग रहा है,
इसीलिए वर्ड यूज किया जाता है एक्सक्लूसिवली, नहीं समझे आप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, गलत की सही? अरे छोटा हो बड़ा हो कुछ भी जाए तो कॉन्सेप्ट खराब हो रहा है, छोटा हो बड़ा हो तो है तो पोस्ट ही ना, गलत की सही के बाद का ही है ना, नहीं समझे, तो पोस्ट ही है ना, कैसे फिर हो सकता है यहाँ पर हमको डाउट बढ़ा दिया। ये लोग ऐसा कॉन्सेप्ट, मेरा शादी से पहले छोटा बाबू रहता है साथ में और शादी के बाद बड़ा बाबू साथ में। अच्छा नहीं एक्चुअली क्या है, बोलते नहीं सर एक्चुअली आप नहीं समझ रहे, हम लोग ना बॉयफ्रेंड को बोलते हैं और बाबू की समझ, हम सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो बाबू सोना का बात नहीं कर रहे, बेटा बेटी का बात कर रहे हैं, नहीं समझे आप, तो उसी को बाबू बना लिए समझे। तो क्या होता है, कुछ जो होता है वो नाम से ही लगता है क्या प्री का है पोस्ट का है, समझे आप, तो प्री पोस्ट जैसे कि इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर्स, तो वेंडर तो सामने वाला होगा जिस दिन बेचा होगा उसके पहले का ही होगा, ऑटोमेटिक ही वेंडर का ही होगा, जैसे हम लोग कल बताए थे हस्बैंड और फियांसे नहीं बोलता है, तो पता है कि तो पहले ही है, हस्बैंड बाद में बना, तो वेंडर क्या है जो बेच रहा है, इसका मतलब कंपनी बनने से पहले ही होगा वो प्री होगा, तो क्या होता है हमेशा प्री होगा, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है, बट इफ पेड आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे परचेज कंसिडरेशन है, परचेज कंसिडरेशन आपको मान लीजिए हम कंपनी सीए गुरुकुल कोई प्राइवेट लिमिटेड हमको खरीद लिया, तो जो खरीदा होगा तो प्री का कॉस्ट है, अब जो हमारा जो मान लीजिए 10 लाख बन रहा है तो 10 लाख पे जो इंटरेस्ट देगा वो प्री है हमारा, लेकिन वो क्या किया डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले पेमेंट नहीं करके बाद 4 महीना बाद पेमेंट किया, तो 4 महीना का इंटरेस्ट और लेंगे, उस केस में 4 महीना का क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। नॉर्मली क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो प्री है, लेकिन उसमें हिंट कर देगा कि जो पेमेंट मेरा किया वो इनकॉर्पोरेशन से पहले नहीं किया, खरीदने बाद में पेमेंट किया, हम लोग हिसाब कर लिए लेकिन पेमेंट मेरा बाद में किया, तब वहां पे रेशियो निकालना पड़ता है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले का ब्याज कितना रहा और बाद का कितना रहा, पेमेंट कब किया है तो उसका ब्याज निकालते हैं, उसको हम लोग कहाँ चार्ज करते हैं पोस्ट में। ऐसे नॉर्मली जो इंटरेस्ट पेड ऑन वेंडर्स कैपिटल या परचेस कंसिडरेशन है नॉर्मली क्या है, ये हमारा प्री है, प्री है, लेकिन कभी पेमेंट लेट से किया तो क्या हो गया वो पोस्ट। क्लियर है? अब कुछ खर्चा है कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, जैसे हमने बताया जिस वर्ड में हस्बैंड वर्ड लगा हुआ है, जैसे इसमें डायरेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब है क्या, जिस खर्च में डायरेक्टर लगा हुआ है इसका मतलब कंपनी बनने के बाद उसके पहले तो डायरेक्टर रहा नहीं होगा, प्रोमोटर वर्ड यूज हुआ होगा, तो जिस वर्ड में डायरेक्टर लगा हुआ है कॉमन है, जिस वर्ड में डायरेक्टर लगा हुआ होगा इसका मतलब प्योर क्या है, ये कंपनी का खर्चा है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन खर्चा है पक्का, उसका लिस्ट बताएंगे हम। उसके बाद एक लास्ट में आता है ऑडिट फी पे एक टेंशन होता है, ऑडिट फी, तो ऑडिट फी दो तरह का होता है, एक होता है ऑडिट फी होता है कंपनी ऑडिट, तो नाम से लग रहा है कंपनी मतलब आफ्टर होगा, नहीं समझे, तो कंपनी ऑडिट होता है अंडर कंपनीज एक्ट चार्ज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो रटना नहीं है, अब भाई कंपनी का ऑडिट हुआ है वो बोलेगा हमने वाइफ को गिफ्ट किया है शादी के बाद होगा, हमने अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया शादी से पहले का खर्च होगा, तो सिंपल है कंपनी ऑडिट हुआ है तो कंपनी तो बजे बात डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही ऑडिट हुआ होगा, इसका मतलब ये पूरा किस पे जाएगा, ये किस पे जाएगा, पोस्ट पे, कंपनी का ऑडिट हुआ है ना, कंपनी बनने के बाद हुआ है, इनकॉर्पोरेट करने के बाद तो ऑडिट हुआ है, तो जब भी कंपनी वर्ड लगा रहेगा डायरेक्टर वर्ड लगा रहेगा तो पोस्ट ही है, तो जो ऑडिट फी होता है दो तरह का होता है, कंपनी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट मतलब हर एक कंपनी जो है उसको ऑडिट करवाना ही पड़ता है, उसका ट्रांजेक्शन हो चाहे नहीं हो, तो पोस्ट कंपनी का होगा तो पूरा पोस्ट होगा, लेकिन एक टैक्स ऑडिट होता है अंडर 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, समझाते हैं क्या, टैक्स अंडर 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सेल्स रेशियो का, ये क्या होता है, अब मान लीजिए कंपनी नहीं है, मान लीजिए आपके पापा ही हैं लेकिन ठेकेदारी करते हैं 50-60 लाख हो गया, तो उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो कंपनी नहीं होता उसका ऑडिट होता है इनकम टैक्स एक्ट करवाता है, 44AB सेक्शन का नाम है, बहुत फेमस सेक्शन है 44AB, इसका मतलब आप कंपनी नहीं है लेकिन फिर भी ऑडिट होता है आपका, ऐसा नहीं कि खाली कंपनी का ऑडिट होता है, कंपनी ऑडिट तो कंपनी के बाद हुआ होगा, लेकिन जैसे आपके पास बहुत ज्यादा कमा रहे हैं ना तो सबका दायरा है कि एक मिनिमम नॉर्मल आदमी ज्यादा कमाता है तो उसको ऑडिट कंपलसरी हो जाता है, आपका इनकम करोड़ों में है तो आपका ऑडिट करवाना कंपलसरी है, आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, तो आप कंपनी नहीं है प्रोप्राइटरशिप ही है पार्टनरशिप ही, लेकिन ऑडिट तो करवाना पड़ रहा है, तो अगर ऑडिट वर्ड यूज लिखा हुआ है इसका मतलब वो प्री है, समझ पा रहे हैं उसको, सॉरी प्री बोलते हैं, इसका मतलब उसको हम सेल्स रेशियो में बांटेंगे, लेकिन अगर कंपनीज ऑडिट है तो हमेशा क्या हो जाएगा आपका पोस्ट, क्योंकि कंपनी बनने के बाद ही ऑडिट हुआ होगा, तो ऑडिट फी लिखा रहेगा तो ध्यान देना रहेगा ऑडिट फी क्या होता है, दोनों होता है, या तो पोस्ट भी होता है या तो आपका सेल्स रेशियो में भी होता है, नहीं प्री नहीं सेल्स रेशियो में बांटते हैं, कंटिन्यू हुआ होगा, समझ पा रहे चीज, क्लियर है? चलिए हाँ, ये वाला क्या था, हाँ डेट ये वाला बता रहे थे, जो हम जो इंटरेस्ट पे किए थे अगर आप बाद में करेंगे तो कहाँ चार्ज करेंगे उसको, पोस्ट में करेंगे, तो फिर से इसको एक बार ओवरव्यू लास्ट में कर लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट फर्स्ट प्रीफरेंस सेल्स रेशियो देते हैं, सेकंड हम लोग देते हैं COGS रेशियो, अगर कुछ नहीं है तो टाइम रेशियो, मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो टाइम रेशियो, लास्ट में था वेरिएबल एक्सपेंसेस को, मतलब जो कि सेल्स के साथ घटता पड़ता है, जो सेल्स से रिलेटेड होता है उसको हम लोग सेल्स रेशियो में, फिक्स चार्जेज जो कि सेल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, जैसे एग्जांपल दिए रेंट का, उसको हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं, टाइम रेशियो में। अब आता है कुछ खर्चा पूरा प्री का होता है, कुछ पोस्ट का होता है, तो प्री का खर्चा एक ही है जो कि हम इंटरेस्ट पेड टू वेंडर्स,
जो हम जो खरीदे हैं परचेज कंसिडरेशन, उसको हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो प्री का माना जाता है। लेकिन अगर हम पेमेंट लेट से किए होंगे तो क्या होगा, हम लोग किए होंगे तो उसको पोस्ट में ले लेंगे। एक एक्सेप्शन थोड़ा सा है, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जैसे हम कंपनी वर्ड लगा हुआ है, डायरेक्टर वर्ड लगा हुआ है, अभी हम डिटेल भी बताएंगे उसका, तो सब क्या होता है पोस्ट का हो जाता है। क्लियर है? ऑडिट फी में एक डाउट है, ऑडिट अगर कंपनीज एक्ट में हुआ है तो पोस्ट हो गया, अगर आपको इंडियन मतलब इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू हुआ है, 44 AB सेक्शन में हुआ है, तो क्या होगा, इसको किस रेशियो मिलेंगे, सेल्स रेशियो मिलेंगे। मतलब कि मैक्सिमम पॉइंट, ज्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को कुछ भी ऐसा लग रहा है? तो हमको डिस्कस क्या करना है, वेरिएबल एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, फिक्स कॉमन चार्जेस क्या है, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का एग्जांपल क्या है, कॉमन सेंस पूरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाउट है ना किसी को कुछ भी? नो सर।